सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये जो वर्कशीट नंबर थर्टी थ्री है ना जो कि सिक्स टू एट के स्टूडेंट्स के लिए है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने इंडिया के बारे में और इंडिया में जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे इंडिया इज़ अ सो बिग कंट्री आवर कंट्री हैज़ ह्यूज़ पॉपुलेशन विद पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट रिलीजियंस पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलोइंग डिफरेंट ट्रेडिशंस बट वी आर ऑलवेज यूनाइटेड और यही तो हमारी वर्कशीट में भी लिखा है तो चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ वर्कशीट और उसको समझने की कोशिश करते हैं पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट रिलीजन एथनीसिटी एक्सेट्रा लिव टूगैदर इन आर कंट्री दे हैव Different food habits, languages, and living style. Still all live together. And this is called diversity. Bilkulthi to diversity. Hai. If we go to the Rajasthan, people wear different dresses and they speak different languages and they have different traditions. And if we go to Punjab, they speak Punjabi language and they they eat uh, different food uh, just like rajma chawal, chole bhature etc. different people observed different festivals. this is called diversity. diversity is a good thing for people kyunki agar diversity hogi तभी तो हम new, new new things सीख पाएंगे दूसरे लोगों से दूसरे अलग अलग लोगों से तो चलिए अब चलते हैं अपनी वर्कशीट के सेकेंड पार्ट की ओर जो हमें बताता है वॉट इज डिस्क्रिमिनेशन पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजिस एंड अ अस्टीरियोटाइप बेस्ड ऑन परसेप्शन देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन आपने ये बहुत बार देखा होगा कि हम भी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को देखें किसी पर्सन को देखें या डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को देखें तो हम उनकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ ये तो अच्छे लोग नहीं हैं ये इनकी आदत इनकी जो हैबिट्स होती हैं इनकी बैड हैबिट्स होती हैं और हम इसी रॉन्ग परसेप्शन के कारण ही उनसे डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं तो नाउ यू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द वर्कशीट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन योर नोट बुक द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सम मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन यस देयर आर सम मेजर्स टू प्रीवेंट डिस्क्रिमिनेशन यानि इस भेदभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिनमें से कुछ इस तरह से हैं वी शुड नाट रीच आर चाइल्ड रोंग परसैप्शन अबाउट डिफरेंट कास्ट रिलीजन एंड लैंग्वेज स्पोकन पीपल फ्रॉम देयर चाइल्ड हुड यानि बचपन से ही हमें अपने बच्चों को किसी भी दूसरे धर्म जाति या किसी भाषा बोलने वाले व्यक्ति के बारे में गलत धारणा उनके मन में नहीं डालनी चाहिए या उन्हें नहीं सिखानी चाहिए द अदर मेजर इज Education is the best way to eliminate discrimination because only an educated person can make a healthy society. Education teaches us not to discriminate the people on the basis of their language, their religion, or their caste. And the another point is, untouchability is a crime and is legally abolished.

day to day life we learn different languages from our friends we enrich our lives by getting to know the different cultural traditions we learn from the different religious rituals that are observed by our friends and neighbors these are only the suggestions please aap apne answers खुद लिखने की कोशिश करें क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है आपने जो खुद आंसर लिखेंगे वो शायद इससे भी अच्छे हो पाएंगे आई होप मेरे इस तरह समझाने से आपको इतनी अच्छी तरह शायद समझ आया होगा और अगर आपको मेरे समझाने का ढंग अच्छा लगे या मेरे समझाने से थोड़ा बहुत भी समझ आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए Thank you.